हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग बेटे? आज हम लोग एक अकाउंट्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे पहले तो ये चैप्टर क्लास 11th का है, पर ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग लगभग पूछे जाते हैं। जैसे अभी PGT वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग तब पढ़ते हो जब क्रेडिट में चीज़ें बेची जा रही हो। सपोज करिए ए ने बी को चीज़ें बेचा हो और क्रेडिट में बेचा हो। तो बेटे जब हम क्रेडिट में चीज़ें बेचते हैं तो एक मैच्योरिटी टाइम होता है, जैसे इसने डिमांड किया होगा 3 महीने के लिए। ए ने चीज़ें बेचा बी को, कंडीशन क्या रखा गया कि ये बी 3 महीने के बाद इसको पेमेंट देगा। तो इन क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है, ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे। तो इन कुछ टर्म्स को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। आइएगा बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पार्टीज में पहला पार्टी जो इन्वॉल्व होगा वो होगा ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है बेटे? जो सेलर होगा उसी को ड्रॉवर बोलते हो। कौन है ड्रॉवर? सेलर को ड्रॉवर बोलते हैं। तो ड्रॉवर बिल को बनाएगा भी और बिल के ऊपर साइन भी करेगा। तो ड्रॉवर इज व्हाट बेटे? ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला है और द बिल इज साइंड बाय द ड्रॉवर। और साइन कौन करेगा इसको? ड्रॉवर करेगा। और इन शॉर्ट बोलूँ तो ड्रॉवर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ड्रॉवर का मतलब होता है जो सेलर है बिल का, प्रोडक्ट बेचने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हो? ड्रॉवर बोलते हैं। आइएगा दूसरी बात कर लेते हैं ड्रॉई के लिए, है ना? तो बच्चों ड्रॉई कौन है यहाँ पे? ड्रॉई जो परचेजर है वो ड्रॉई है। कौन है बेटे? जो गुड्स को परचेज करने वाला है वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए ड्रॉई होगा। तो परचेजर इज व्हाट बेटे? परचेजर इज ड्रॉई। तो ड्रॉई का काम क्या है? सबसे पहले तो ड्रॉ इज़ द पर्सन जिसके ऊपर हम लोग बिल को बनाते हो, ड्रॉ करते हो। तो ड्रॉ इज़ द पर्सन टू होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। दूसरी बात बेटे, जो ड्रॉई है ये डेटर होगा और किसका डेटर होगा? ड्रॉवर का डेटर होगा। मतलब इन फ्यूचर ड्रॉवर को पैसा लेना और ड्रॉई को पैसा देना। तो ड्रॉई इज़ द डेटर हु हैज़ टू पे द मनी टू द ड्रॉवर। और बेटे बिल को बनाता कौन है? ड्रॉवर। तो बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। तो ड्रॉई इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर। ड्रॉई को हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हो। ठीक है बच्चों, आइएगा तीसरी बात करते हैं पेई। इन जनरल जो पेई होगा वो ड्रॉवर ही पेई होता है। ड्रॉवर को ही हम लोग क्या बोलते हो? पेई बोलते हो, है ना? तो जनरली अगर देखेंगे तो ड्रॉई ड्रॉवर पर सेलर, ड्रॉई परचेजर और पेई भी ड्रॉवर ही होता है। पेई का मतलब क्या होता है? द पेई इज़ द पर्सन टू हुम पेमेंट, जिसके ऊपर हमें टू हुम पेमेंट हैज़ टू बी मेड। द पेई मे बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ। पेई कौन हो सकता है? ड्रॉवर ही हो सकता है। आइएगा बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा गया है, एक एग्जाम्पल से समझाया है इसको। सपोज करिएगा ए सेलर है, बी परचेजर है। ए इज़ द सेलर, बी इज़ द परचेजर। जो चीज़ें बेची गई वो बेची गई 1 अप्रैल 2019 को, ठीक। टाइम जो दिया गया वो 3 मंथ्स का दिया गया। तो 1 अप्रैल में 3 महीने ऐड करिएगा, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई। और डेट वैसे तो 1 अप्रैल है, तो 1 में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड किया जाएगा। तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका मैच्योरिटी पीरियड जो बनेगा वो 4 जुलाई 2009 का, 3 डेज का ग्रेस पीरियड बनेगा। ग्रेस के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2019, 3 महीने ऐड करिएगा, मई जून जुलाई, और 1 में 3 और ऐड करिएगा तो 4 जुलाई 2019। जो चीज़ें बेची गई वो कितने की बेची गई बच्चों? 10,000 का। बेचने वाला कौन है? ए सेलर है। खरीदने वाला कौन है? बी परचेजर है। सेलर को हम क्या बोलते हो? ड्रॉवर बोलते हो। परचेजर को हम क्या बोलते हो? ड्रॉई बोलते हैं। आइएगा आगे चलते हैं।
अब देखो बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हो, ड्रॉअर के बुक के अंदर क्या करने वाले हैं, ड्रॉई के बुक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हो, ये ट्रीटमेंट सीखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो आओ बेटे सबसे पहले केस को उठा लेते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है देखो बेटा, पहला केस ये बनता है कि जो ड्रॉअर होगा वो खुद अपने पास बिल रखेगा। जैसे मैंने चीज़ें बेची और मैंने ये बिल अपने पास ही संभाल के रखा है, दैट इज़ द फर्स्ट केस, व्हेन द बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर हिमसेल्फ। बिल को किसने रिटेन किया बच्चों? ड्रॉअर ने। तो देख बेटे, पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दो स्टार्टिंग के जो एंट्रीज होंगे वो कॉमन होंगे। किस बात के लिए? बेचने की, बिल बनाने की। उधर बेटे उसके बुक में परचेज करने के लिए और बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, ये दो कॉमन एंट्री है आपके। तो बच्चों अब पहला एंट्री, पहले ड्रॉवर का बुक समझते हैं फिर ड्रॉई का बुक समझते हैं। ड्रॉवर कौन है? सेलर है। तो सेलर सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं बेटे? सेलर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सबसे पहला एंट्री ये पास क्या करेगा? एट द टाइम ऑफ सेल का एंट्री पास करेगा। आप सभी बच्चे जानते हो सेल के लिए हम जर्नल क्या बनाते हो? सेल के लिए हम जर्नल बनाते हैं 20 अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स परचेज अगर करते हो तो चीज़ें हमारे पास आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स करते हो तो चीज़ें हमारे पास जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सेल्स को हम लोग क्रेडिट में रखते हो। तो एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री क्या बना? हमने ए को ड्रॉअर माना, बी को ड्रॉई माना, तो बी को बेच रहे हम चीज़ें, तो बी टू सेल पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री होगा आपके पास व्हेन द बिल इज़ ड्रॉन, जब हम बिल को ड्रॉ करते हो, किसके फेवर में ड्रॉ करते हैं? ड्रॉन करते हैं बी के फेवर में। तो देखना बच्चों, जो यहाँ पर बी डेबिट में था वो उठ के कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल, चूँकि बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। और लास्ट में मैच्योरिटी पे एंट्री क्या होगा बेटे? मैच्योरिटी पे इसको पैसा मिलने वाला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? बीआर, जो डेबिट में है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा बेटे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये लास्ट में एंट्री आप बनाएंगे, है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आइएगा ड्रॉई के बुक को समझते हैं जरा बेटे। ड्रॉई क्या बनाएगा बुक? पहला एंट्री तो ये करेगा परचेज बन कर लिए, तो परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। दूसरी, ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो बेटे ए जो क्रेडिट में है वो उठ के आएगा डेबिट में टू बीपी, चूंकि बीपी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तीसरी एंट्री, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसको पैसा पे करना है, पे करना है तो पैसे इसके पास से जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। देखो बेटे, जब कैश हमारे पास आएगा तो डेबिट होता है, जब जाएगा तो वो क्रेडिट होता है। तो जो बीपी क्रेडिट में बैठा है उठ के डेबिट में आ गया, तो एंट्री क्या बन गई बच्चों? बीपी टू कैश। याद करिएगा जरा, ड्रॉवर पहली एंट्री क्या पास करने वाला है बच्चों? ड्रॉवर पहली एंट्री पास करने वाला है बिल चीज़ें बेचने की, तो बी टू सेल। दूसरी बेटे, बिल को बनाने के लिए, तो बी आर टू बी। तीसरी एंट्री बेटे, पैसे लेने के लिए, तो कैश टू बी आर। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉई क्या बना रहा है बच्चों? तो ड्रॉई सबसे पहला परचेज करने की, परचेज टू ए। दूसरा बिल एक्सेप्ट करना, तो बेटे ए टू बीपी। तीसरा पैसा देना, तो बीपी टू कैश। दो एंट्री, स्टार्टिंग की दो एंट्री रट लीजिए, लगभग लगभग हर क्वेश्चन में ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। आइएगा इस बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइएगा बेटे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी, डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, डेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2018, ए ने चीज़ें बेचा बी को, तो ए कौन है बेटे? ए ड्रॉवर है। बी को बेचा गया, तो बी कौन है? बी ड्रॉई है। कितने का अमाउंट का चीज़ बेचा गया? 5000। जीएसटी, आईजीएसटी है 18% का, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखना, जनवरी 1, 2018 चीज़ें बेचने का डेट या खरीदने का डेट, चीज़ें बेची गई कितने की? 5000 की। जीएसटी कितनी आई? जीएसटी 18%। ए रिसीव्ड 900 बाई चेक, 900 रुपये तो इसको चेक के थ्रू मिल गया। बी ने बाकी के लिए बिल ड्रॉ कर दिया, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी, ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट ऑन द, देखो बेटे ए ने बिल को रिटेन किया है,
तो पहला केस है ये, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड, जर्नल एंट्री हमने पास करना है। तो इम्पोर्टेंट बातें क्या है, चीज़ें बेची गई कब, 1 जनवरी 2018 को, राइट। अमाउंट 5000, GST 18%, 900 रुपये चेक में दिया, बाकी के लिए बिल बनाई गई कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो आओ बेटे आगे डिस्कस करते हैं इसको। हम सबसे पहले बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बेटे ड्रॉवर। तो ड्रॉवर सबसे पहले एंट्री क्या पास करने वाला है, जिस दिन उसने चीज़ें बेचा उस दिन एंट्री करेगा बेचने की। तो बी डेबिट टू सेल्स, ये बेचने की एंट्री तो आती है आप लोगों को, तो बी डेबिटेड टू सेल, और सेल के टाइम पे आउटपुट GST क्रेडिट होता है, और परचेज के टाइम पे GST बेटे डेबिट होता है, उसको हम लोग इनपुट GST बोलते हो, है ना। जब आपने सेल करा तो एंट्री बन गई बी टू सेल टू आउटपुट GST। सेल कितने का बेटे, 5000 का, है ना। सेल्स कितने की हुई है, 5000 की हुई है सेल्स। उसके बाद 5000 के ऊपर GST कितने परसेंट का था, सर 18% का लगाना जरा, 5000 का 18%, तो 900 रुपये बन गया। टोटल अमाउंट कितने हो गए, तो 5900 टोटल अमाउंट आपका बनता है, बन गया 5900 टोटल अमाउंट। अब देखिएगा बेटे, बोला है कुछ अमाउंट तो इसने चेक के थ्रू दिया है और कुछ अमाउंट का बिल बना दिया गया। देखो टोटल बी यहाँ पर क्रेडिट डेबिट है, ये इतने अमाउंट से इसको क्रेडिट भी होना चाहिए। लो जी बेटे कर दिया क्रेडिट 5900 से, आउट ऑफ 5900 900 चेक के थ्रू मिला है, ठीक है ना। तो चेक के थ्रू 900 चेक के थ्रू गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, पैसा आया तो बेटे कैश या बैंक को डेबिट करते हो, चेक आया तो बैंक को डेबिट करते हो। तो बैंक टू बी 900, फिर बेटे बाकी के बिल बन गए, तो 5900 में से 900 गए, बचा कितना 5000। तो 5000 के लिए बिल बनाना आपने, ठीक। तो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो, बैंक टू बी 900, बिल रिसेबल टू बी 5000। तो बिल कितने का बना अल्टीमेटली 5000, मेच्योरिटी डेट पे, यानी 3 महीने के बाद उसको इतने अमाउंट लेने हैं, किससे, बी से लेने हैं। तो बेटे मेच्योरिटी 3 महीने का है, जोड़ना जरा, जनवरी में 3 महीने, जैन के बाद फेब मार्च अप्रैल, आ गया ना अप्रैल लिखा है यहाँ पे, और एक में 3 ऐड कर लेना क्योंकि ग्रेस पीरियड 3 दिन का। पैसे आएंगे तो कैश डेबिट, कैश डेबिट कर लेना टू बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, बिल वाला पैसे आएगा कितना, 5000। क्लियर है क्या, बीआर का बुक आइएगा। बिल्स पेबल ड्रॉई क्या करने वाला है बेटे, ड्रॉई सबसे पहले परचेज की एंट्री करेगा। परचेज मैंने बोला था, परचेज के साथ इनपुट GST डेबिट होता है, इनपुट IGST टू ए। सेम बेटे 5000 का परचेज अमाउंट, 900 का GST, 5000 के ऊपर 18%, 900, 5900 टोटल। इस 59 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कुछ पैसे तो इसने चेक से दिया, कुछ का बिल एक्सेप्ट किया। चेक से कितना दिया, 900। ये देने वाला पार्टी है बेटे, तो देने वाला है तो बैंक क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 900, 5000 का बिल बना, मैच्योरिटी पे इसको पैसा देना है, और कितना पैसा देना, जो बिल का अमाउंट होगा। बिल कितने का है सर, 5000 का है, है ना। तो बेटे 5000 इसको अमाउंट देना है, तो BP2 कैश कितने अमाउंट का, 5000 का। डन है क्या, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अगले टॉपिक को, जो डिस्काउंट कराते हैं हम लोग बैंक से, ठीक है बेटे। बाकी इतना करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।